तो सबसे बड़ी जो चीज है, ये सारे रीजन है, सबसे बड़ी चीज है कि पावर ऑफ इंटेंट, क्या हमारा इंटेंट है बड़ा करने का? अगर है बड़ा करने का, तो क्या हमने डिक्लेयर किया है खुल के कि ये साल मैं व्हाइट हाउस में ये टारगेट हिट करने जा रहा हूं, राइट? डीटीडीसी में मैं ये टारगेट हिट करने जा रहा हूं, राइट? हिजाम जी, हिजाम हाउस में मैं ये टारगेट हिट करने जा रहा हूं, क्या हमने डिक्लेयर किया है? और डिक्लेयर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है? क्यों नहीं किया है? क्योंकि हमको खुद को सेल्फ डाउट है, होगा के होगा कि नहीं, राइट? और जब हमको सेल्फ डाउट रहेगा तो पक्का नहीं होगा, समझो मैं क्या बता रहा हूं। 2014 का इलेक्शन हुआ था और उस टाइम पे पहली बार मोदी जी को लाके खड़ा किया उन लोगों ने, राइट? और वो टाइम पे कहीं कोई पता नहीं था और सारे लोग जो थे अपोज कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, जो आज सारे लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन वो टाइम पे काफी ज्यादा उनका अपोजिशन था उनकी पार्टी में, और उनके पार्टी के साथ के लोग भी काफी सारे उनके अलायंस छोड़ के चले गए थे, जेडीयू भी इसमें एक था, याद है नहीं? याद है। उसके बाद भी उन्होंने क्या सेट किया था? एक टारगेट सेट किया था, टारगेट सेट किया था, और वो टारगेट दिया था कि असेंबली में पहुंचने के लिए कितने नंबर चाहिए, लोकसभा में पहुंचने के लिए, वो नंबर सेट किया था और ये नंबर हम हिट करने जा रहे हैं, याद है या नहीं? याद है। वो हिट हुआ या नहीं हुआ? नेक्स्ट इलेक्शन आया 2019 का, और उसमें उन्होंने क्या किया? अब की बार 300 पार हुआ या नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? नेक्स्ट इलेक्शन जो अभी आ रहा है बंगाल का, क्या लेके चल रहे हैं टारगेट वो लोग? 200, अब की बार 200 पार होगा या नहीं होगा, लेकिन डिक्लेरेशन इज मस्ट, राइट? एक आदमी वो लेवल पहुंच गया, कई सारे बीच में डाउनफॉल भी आया, कई सारे इलेक्शन हारे भी है, लेकिन अभी भी डिक्लेरेशन बंद नहीं हो रहा है। क्या कांग्रेस डिक्लेयर कर पा रही है किसी भी इलेक्शन? बताओ, उसको पता भी नहीं कि मैं जा किसके साथ रही हूं, किसको खड़ा कर ले मेरे को। और इंडिया की लार्जेस्ट एक राज करने वाली पार्टी थी, एक तरफा राज करने वाली पार्टी थी, डिक्लेयर कर पा रही है? क्यों नहीं कर पा रही है? हाँ, कॉन्फिडेंस नहीं, इंटेंट नहीं है, इंटेंट नहीं है। क्या आज से पहले ऐसा होता था? नहीं होता था आज से ऐसे पहले। सेम ऐसी कंपनीज के साथ हुआ, चाहे वो नोकिया देख लो, चाहे वो HMT घड़ियां देख लो, चाहे वो MSI देख लो, XYZ कंपनीज देख लो, इन लोगों ने जब जब मार्केट में राज किया है, जब तक इनका इंटेंट था, और एक टाइम आया रातों रात मार्केट से आउट हो गए, क्योंकि इन्होंने आंखें खोल के देखा नहीं। जैसे जुल्फी ने बोला कि हमको हर दिन कुछ चेंज करना पड़ेगा, और एप्पल एक फोन लेकर आया स्टीव जॉब, और जब लेकर आया तो उन्होंने बोला खिलौना है, टाइम पास है, ये बच्चे लोग खेलेंगे, इसको मार्केट में कोई पकड़ेगा नहीं। और उस गफलत की वजह से उन्होंने आंखें खोल के देखा नहीं, रातों रात मार्केट से आउट हो गए। ये आइटम चलेगा नहीं, लोग इसको वो नहीं करेंगे, और उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। समझ में आ रहा क्या बता रहा हूं मैं? तो पहला रीजन जो है पावर ऑफ इंटेंट। तो हमें क्या करना है? पावर ऑफ इंटेंट हमारा रहना चाहिए, डिक्लेरेशन बहुत जरूरी है, इंटेंट हमें बड़ा बनना है तो डिक्लेयर करना पड़ेगा। और जब डिक्लेयर कर देगा जुल्फी, तो 4-5 लोग उसको पहले महीने जब वो आगे पीछे होगा उससे पूछना शुरू कर देंगे, क्या जुल्फी क्या हुआ, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, क्या हुआ नंबर का? फिर कोई और पूछेगा, फिर शायद सर बुला के पूछ लेंगे। अब जब इतने लोग पूछने, अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए एटलीस्ट वो कुछ ना कुछ हाथ पैर मारेगा, और उस हाथ पैर मारने के चक्कर में एटलीस्ट वो उसने यहां सेट किया था, एटलीस्ट वहां नहीं तो वहां तो पहुंच ही जाएगा वो, राइट? 200 नहीं पहुंचेगा तो वहां पर फिर भी वो लोग एटलीस्ट 100 तो क्रॉस कर लेंगे, 100 भी पहुंच जाएंगे जहां पर उनका कोई एग्जिस्टेंस वजूद था ही नहीं, वहां पर 4 सीट से बराबर है कि नहीं है, तो भी एटलीस्ट पहले से बेटर करेंगे। तो पहली चीज हमारे को पावर ऑफ इंटेंट होना चाहिए, क्लियर है?